हेलो यूट्यूब, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू ड्रॉ अ रियलिस्टिक आई। आप देख सकते हैं कि ये आई एकदम हाइपर रियलिस्टिक वाला नहीं है, इट इज़ अ नॉर्मल वन ओनली। और ये बिगिनर्स के लिए एकदम सही होगा जो रियलिस्टिक आई सीखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं पहले आई का आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वॉचिंग द रेफरेंस। तो रेफरेंस इमेज को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फॉलोअप कीजिए विथ मी। सो पहले मैं आई का आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ HB पेंसिल से। आप कोई भी लाइट शेड का पेंसिल यूज़ कर सकते हैं टू ड्रॉ द आउटलाइन, फ्री हैंड ड्रॉ कीजिए। अब आउटलाइन जब ड्रॉ हो गया उसके बाद वी कैन मूव ऑन विथ आवर डार्कर रीजन्स। आप देख सकते हैं रेफरेंस इमेज में जो भी डार्कर एरियाज है उसको मैं चारकोल से ऑप्ट कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग कैमलिन सॉफ्ट चारकोल। आप कोई भी ग्रेफाइट भी यूज़ कर सकते हैं, 10B या 6B या 8B, आपके पास जो भी है, पर मैं चारकोल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज चारकोल एक बार में पूरा डार्क वैल्यूज़ को दे देता है। सो आई एम यूजिंग चारकोल ओवर हियर। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी हाईलाइट्स है, जो भी वाइट रीजन्स यहाँ पे लेफ्ट ओवर करना है उसको मैं छोड़ रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग चारकोल ऑन द वाइट रीजन्स। सो आप भी वाइट एरियाज़ को छोड़ देना ताकि उनको बाद में उनको हाईलाइट्स ऐड करने में इजी होगा उनके ऊपर। उसके बाद डार्क एरियाज़ हो जाने के बाद मैं आई के जो भी इरिस का जो पार्ट है, जो लाइंस जैसे होते हैं आई बॉल में, वो वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ विथ चारकोल ओनली। आप इसमें कोई भी 4B या 6B यूज़ कर सकते हैं लाइट प्रेशर के साथ ताकि ज़्यादा वो विजिबल हो अच्छे से। और इसको एकदम एक्यूरेट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इसको रियलिस्टिक कर रहे हैं, तो यू कैन गो ईजी। आई के अंदर का जो लाइंस है उनको ऑफ करने के बाद आई एम ब्लेंडिंग इट विथ अ ब्रश। आप ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं अगर ग्राफाइट से कर रहे हैं तो, और चारकोल से कर रहे हैं तो यूज़ अ ब्रश। उसके बाद मैं आई का वाइट एरियाज को भी डार्क के साथ मिला रहा हूँ बाय ब्लेंडिंग इट, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आई विल मूव ऑन विथ द आई लैशेस। उसके बाद आई का जो अपर रिंकल होता है, जो एक झुर्रिया जैसा होता है ऊपर से, सो आई एम मेकिंग इट प्रोमिनेंट, वहाँ पे मैं चारकोल से उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद आई एम ब्लेंडिंग इट विथ द स्किन, स्किन के साथ मैं ब्रश यूज़ करके उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। उसके बाद आता है इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि एक टीयर ड्रॉप है, एक आंसू जो है अब हमारे रेफरेंस में, उसको हमें ड्रॉ करना है अभी। तो उसके कॉर्नर्स में आई एम पुटिंग प्रेशर यूज़ करके मैं उसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ क्योंकि आई टीयर ड्रॉप का कॉर्नर्स में थोड़ा सा डार्क रीजन्स होता है, और जहाँ पे भी हाईलाइट्स है टीयर ड्रॉप में उसको मैं छोड़ रहा हूँ, आई एम लीविंग इट आउट, ताकि बाद में मैं उसको अच्छे से ऑप्ट कर पाऊँ। आफ्टर दैट मैं टीयर ड्रॉप के अंदर का जो आई लैशेज है उसको भी ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि बॉटम का आई लैश पार्ट है उसको। और उसके बाद आई विल ब्लेंड इट विथ ब्रश एंड ब्लेंडिंग स्टम्प। सबसे लास्ट में मैं आई के अंदर के जो भी नर्व्स है उनको मैं ऑप्ट कर रहा हूँ यूजिंग HB पेंसिल। यहाँ पे मैं 0.5 mm का मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो 2B यूज़ कर सकते हैं या तो HB यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो अच्छे से शार्प हो बस। और उसको प्रेशर कंट्रोल के साथ थोड़ा सा नर्व्स को हम बनाएंगे।
एज अ फिनिशिंग टच मैं आईलैशेस का रिफ्लेक्शंस को ऐड कर रहा हूँ वहाँ पे जहाँ आई के ऊपर हमने हाइलाइट्स का जगह छोड़ा था वाइट रीजियंस वहाँ पे मैं आईलैशेस का रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ आप भी फॉलो कीजिए। एज अ फिनिशिंग टच हम थोड़ा सा हाइलाइट्स को और प्रोमिनेंट बना सकते हैं यूजिंग अ टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर और आप कोई भी इरेजर काट के भी यूज़ कर सकते हैं।